हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वॉचिंग विद स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ह्यूमरस को, जो कि हमारी सेकंड बोन है फोर लिम की। और तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वेट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो इसी के साथ आप फेसबुक पर भी वेट स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं डिफरेंट तरह की इमेजेस पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। उसी के साथ मैं स्टडी टिप्स भी वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो ह्यूमरस है हमारी, वो सेकंड बोन है। और सबसे पहले जो ह्यूमरस के अंदर हम तीन बातें ही डिस्कस करेंगे और उसी के अंदर पूरी ह्यूमरस हमारी फिनिश हो जाएगी। तो पहली जो है वो है हमारा पोजीशन, कि ह्यूमरस की पोजीशन क्या होती है, जैसे कि हमने स्कैपुला में भी देखा था। उसके बाद हम बात करेंगे सरफेसेस की, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी फोर सरफेसेस आती हैं, वो हमें देखनी है। और उसके बाद हम देखेंगे एंड्स की। तो इसके अंदर हमारे टू एंड होते हैं, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, उन्हें हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो ये जो इसकी पोजीशन है, आप देख सकते हैं स्केलेटन के अंदर स्वाइन के, ये हमारी कैसी होती है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड, आपको देख सकते हैं ऑब्लिकली डाउनवर्ड हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, और पीछे की ओर प्रेजेंट है, बैकवर्ड। तो ऑब्लिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड ये हमारी प्रेजेंट है। अब देखिए इसका क्या कर रही है, आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो प्रॉक्सिमल, ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर या नीचे, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ, ठीक है, बट अगर आपको कहना है तो आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमली क्या फॉर्म कर रही है, शोल्डर जॉइंट फॉर्म कर रही है, ठीक है, किसके साथ फॉर्म कर रही है, स्कैपुला के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी कि प्रॉक्सिमली हमारा स्कैपुला के साथ शोल्डर जॉइंट हमारा फॉर्म कर रही है, ठीक है, दिस वन। और ये डिस्टली हमारा क्या कर रही है, डिस्टल हमारा यहाँ पर भी एल्बो जॉइंट ये फॉर्म कर रही है, किसके साथ, रेडियस और अल्ना के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि इसकी पोजीशन क्या है और ये कौन कौन से हमारे जॉइंट फॉर्म कर रही है। इसके बाद अगला स्केलेटन आ जाता है जो कि है हमारा कैनाइन का स्केलेटन। तो इसके अंदर भी आप सेम ही चीज़ देखेंगे सभी स्केलेटन के अंदर, और ये है हमारा बोवाइन स्केलेटन, इसके अंदर भी आप सेम ही चीज़ देखने वाले हैं। अब देखिए सरफेसेस भी मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, लेटरल सरफेस। और इस वाली सरफेस के जस्ट अपोजिट जो सरफेस होगी, मतलब कि अंदर की साइड, वो वाली कौन सी होगी, मीडियल सरफेस, ठीक है। और ये जो आगे वाली सरफेस है, ये वाली हमारी कौन सी होगी, एंटीरियर सरफेस। और ये जो पीछे वाली सरफेस होगी, ये वाली कौन सी होगी, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारी चार सरफेसेस होंगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपको सामने से दिख रही है, ठीक है, ये जो फ्लैट दिख रही है, ये एक तरह से मतलब पूरी सिलेंड्रिकल भी नहीं होती, ठीक है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप में ये हमारी होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल टाइप में। तो इसके अंदर हमारी चार सरफेसेस बनती हैं, ठीक है, और चार सरफेसेस हमारी कुछ इसी टाइप से हैं, ठीक है। पहला हमारा लेटरल है, दूसरा हमारा पीछे की साइड मीडियल है, आगे की साइड हमारा एंटीरियर, और पीछे की साइड हमारा क्या है, पोस्टीरियर, मतलब ये वाला साइड। तो यहाँ पर ये हमारी चार सरफेसेस हो गई हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ह्यूमरस ऑफ ऑक्स की, ठीक है। तो ह्यूमरस ऑफ ऑक्स हमारी क्या है, मेन हम इसी को पहले पढ़ेंगे। तो ह्यूमरस ऑफ ऑक्स के अंदर हमने पोजीशन की बात कर ली, अब हमें बात करनी है चारों सरफेसेस की। तो चारों सरफेस के अंदर आपको जो सबसे पहले पढ़नी है वो है आपकी लेटरल सरफेस। तो देखिए लेटरल सरफेस जो होती है, ये आपका लेटरल व्यू है, ठीक है। लेटरल जो सरफेस है, इसके अंदर आपको क्या देखेंगे, पहले तो ये हमारी स्मूथ होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं सरफेस हमारी स्मूथ है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक हमारी स्पाइरल, मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एक स्पाइरल फॉर्म में होती है, ये रही मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव, ठीक है, ये वाली। अब ये जो मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव है आपकी, इसके अंदर हमारा क्या होता है, इस मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव के अंदर ही हमारी मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये हमारी लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो इसमें मसल कौन सी प्रेजेंट होती है, ब्रैकियलिस मसल यहाँ पर हमारी मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये जो ब्रैकियलिस मसल है, ये ब्रैकियलिस मसल आपकी स्टार्ट होती है पोस्टीरियर हेड से, ठीक है, पोस्टीरियर हेड ऑफ ह्यूमरस, मतलब कि यहाँ से कहीं से है हमारी स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होकर के ये हमारी कहाँ चली जाएगी,
ये हमारी मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव के अंदर ही हमारी चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ये मस्कुलोस्पाइनल ग्रूव है जिसके अंदर हमारी ब्राकियलिस मसल है, ये हमारी एंड होगी प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना पर, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लेटरल सरफेस आपने देख ली। इसके बाद जो लेटरल सरफेस पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मैं अलग नोट में आपको कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसी सरफेस पर नहीं आ रही होती हैं, थोड़ा सा हमारी टिल्टेड होती हैं। इसके बाद मीडियल सरफेस हम देखते हैं। तो मीडियल सरफेस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर मीडियल सरफेस ये वाली है आपकी मीडियल व्यू, और मीडियल सरफेस के अंदर आप क्या देखेंगे कि ये हमारी थोड़ी सी राउंडेड होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो बीच में एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, ट्यूबरकल का मतलब क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। जब आपने ऑस्टियोलॉजिकल टर्म्स पढ़ी होंगी तब आपको पता होगा। तो एक ट्यूबरकल स्मॉल प्रोजेक्शन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है, ये जो ट्यूबरकल है, इससे क्या होता है, यहाँ पर हमारा टेरेस मेजर, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको एक मतलब राउंडेड सा आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा ना, स्मॉल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर हमारा क्या अटैच होती है, टेरेस मेजर मसल हमारी यहाँ पर अटैच होती है, टेरेस मेजर प्लस लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। और यहाँ पर टेरेस मेजर मसल अटैच होने की वजह से ही इस ट्यूबरकल को क्या बोल दिया, टेरेस ट्यूबरकल हमने बोल दिया, ठीक है। ट्यूबरकल क्यों बोला भाई, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन है, ठीक है। और टेरेस क्यों बोला, क्योंकि टेरेस मेजर मसल हमारी यहाँ पर अटैच हो रही है। इसके बाद बात आती है एंटीरियर सरफेस की, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस हमारी इसमें कौन सी हो जाएगी, आगे वाली सरफेस जो मैंने अभी आपको बताया। तो एंटीरियर सरफेस जो होती है वो हमारी ट्राइंगुलर होती है बेसिकली, ठीक है, ट्राइंगुलर देखने के लिए मिलेगी आपको। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारी वाइड होती है, वाइड और स्मूथ होती है ऊपर से, और हमारी ये वाली वाइड और स्मूथ होती है ऊपर से। और अगर आप मतलब डिस्टल प्रॉक्सिमल साइड से तो आपने ये देख लिया, और अगर डिस्टली देखेंगे तो नैरो हो जाएगी, ठीक है, नैरो रफ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो हमारी राउंडेड होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि राउंडनेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, राउंड होती है और स्मूथ होती है, और यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा पोस्टीरियर सरफेस में, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामेन होते हैं डिस्टल थर्ड पार्ट में सरफेस के। न्यूट्रिएंट फोरामेन क्या है कि जिनके थ्रू हमारी आर्टरीज क्या करेंगी, एंटर करेंगी बोन्स के अंदर। और अब हम बात कर लेते हैं दोनों एंड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, उस प्रॉक्सिमल एंड पे हमें तीन चीज़ें चार चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी बेसिकली। और ये प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, ये प्रॉक्सिमल एंड आपका ये वाला है, ठीक है, ऊपर वाला, तो प्रॉक्सिमल वाला, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड आपका कैसा होता है, ये प्रॉक्सिमल एंड आपका लार्ज होता है, ठीक है। और लार्ज होने के साथ साथ इस पर चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पहली आपकी हेड, दूसरा नेक, तीसरी ट्यूबरोसिटी एंड फोर्थ है हमारी ग्रूव्स। तो सबसे पहले जो हमारा हेड आता है, ये देख सकते हैं आप, हेड देख लेते हैं। तो हेड हमारा कैसा होता है, हेड हमारा सर्कुलर है, आप देख सकते हैं सर्कुलर है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, सर्कुलर है और कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स के साथ साथ ये आर्टिकुलेट करता है ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला के अंदर हमने ग्लेनॉइड कैविटी पढ़ी थी, ठीक है, तो उससे हमारा आर्टिकुलेट करता है। और आर्टिकुलेट जैसे स्कैपुला हमारी इस टाइप में प्रेजेंट है, ठीक है, फिर ह्यूमरस हमारी इस टाइप में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ये ही वाला हेड जो है ये आर्टिकुलेट करता है इसकी ग्लेनॉइड कैविटी से, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो हेड है वो हमने कंप्लीट कर लिया। हेड के नीचे हमारा आता है नेक, ठीक है, तो नेक हमारा ये रहा। तो नेक की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है कि नेक हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है इस केस में, और जस्ट हेड के नीचे ही हमारा प्रेजेंट होता है। और नेक के बाद आती है हमारी ट्यूबरोसिटीज़। तो ट्यूबरोसिटीज़ यहाँ पर हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी लेटरल और एक होती है हमारी मीडियल। ये देख सकते हैं आप, लेटरल है और एक ये हमारी मीडियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्यूबरोसिटी। लेटरल वाली लेटरल साइड पर, मीडियल वाली मीडियल साइड पर, ठीक है। अब जो लेटरल वाली है वो हमारी कैसी होती है, लार्ज होती हैं और प्रोमिनेंट होती हैं। इसी के साथ साथ दो टाइप होते हैं, ठीक है, लेटरल वाली ट्यूबरोसिटी के, पहला हमारा सममिट और दूसरा कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। तो जो सममिट होता है ना, वो हमारा क्या होता है कि ये जो आपकी बेसिपिटल ग्रूव है ना,
ये जो ग्रूव बनी हुई है, ग्रूव मतलब एक तरह से एक रास्ता आप कह सकते हैं, ठीक है। इस बेसिपिटल ग्रूव को आप क्या करती है, वो कवर करती है, एंटीरियरली उसे कवर करती है, ओवरलैप करती है, ठीक है। तो ये आपकी ट्यूबरोसिटीज हो गई, बेसिपिटल ग्रूव मैंने आपको बता ही दिया। अब बेसिपिटल ग्रूव जो है बेसिकली इसका फंक्शन मतलब ये किस लिए बनी होती है बेसिपिटल ग्रूव, ये पैसेज देती है टेंडन को, ठीक है। बाइसेप्स मसल के जो टेंडन्स होते हैं उन्हें ये हमारा पैसेज प्रोवाइड करती है। अब हमारा प्रॉक्सिमल एंड खत्म होता है और अब हम देखते हैं डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड जो है वो हमारा ये वाला है, ठीक है, डिस्टल एंड। अब डिस्टल एंड का क्या है, ये हमारा आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलर होता है, आर्टिकुलेट हमारा रेडियस अल्ना के साथ करेगा और एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है कि ये हमारा एक मॉडिफाइड कॉन्डाइल ही होता है, ठीक है। कॉन्डाइल का मतलब क्या होता है कि नकल शेप, आर्टिकुलर सर्फेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल बोलते हैं, ठीक है। ये सब ऑस्टियोलॉजिकल टर्म है, आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए ऑस्टियोलॉजिकल टर्म, ठीक है। तो नकल शेप्ड आर्टिकुलर सर्फेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंड है, जो डिस्टल एंड है, यहाँ पर आप दो कॉन्डाइल दिखेंगे, दो एपिकॉन्डाइल दिखेंगे और दो फोसा दिखेंगे, ठीक है। दो कॉन्डाइल्स, दो एपिकॉन्डाइल्स और दो फोसा। अब जो दो कॉन्डाइल हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, दो कॉन्डाइल हमारे मीडियल और लेटरल, ये दो ही कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है, लेटरल और मीडियल, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी। ये वाला जो कॉन्डाइल है, ये वाला हमारा कैसा है, ये लेटरल कॉन्डाइल है और उधर वाला हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चला ये लेटरल कॉन्डाइल है, अब देख सकते हैं ये हमारी क्रेनियो लेटरल सरफेस है, ठीक है, क्रेनियो लेटरल सरफेस। तो ये वाला हमारा लेटरल ही हो गया और उधर वाला हमारा मीडियल हो गया, ठीक है, आप ऐसा मतलब पता कर सकते हैं। अब जो मीडियल वाला हमारा कॉन्डाइल होता है वो हमारा लार्ज होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो ट्रांसवर्स कर दिया जाता है बाय अ ग्रूव, और इसीलिए मीडियल वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉकलिया बोलते हैं, ट्रॉकलिया, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। अब जो लेटरल वाला कॉन्डाइल है इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिट्यूलम बोलते हैं, जैसे उसे ट्रॉकलिया बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिट्यूलम बोलते हैं। अब कैपिट्यूलम हमारा कैसा होता है, कैपिट्यूलम हमारा स्मॉल होता है, आप देख सकते हैं वो वाला कॉन्डाइल कितना बड़ा है और ये वाला कॉन्डाइल कितना छोटा है, तो ये हमारा स्मॉल होता है और ये हमारा थोड़ा सा डिस्टली ही हमारा प्लेस्ड होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं प्रॉक्सिमली प्लेस्ड होता है। फिर आते हैं हमारे एपिकॉन्डाइल, तो अगर मैं बात करूँ एपिकॉन्डाइल की, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकॉन्डाइल, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा क्या है, एपिकॉन्डाइल, मतलब कॉन्डाइल्स के ऊपर ही हमारा कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, उसे हम एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, ठीक है। अब एपिकॉन्डाइल भी हमारे दो हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो हमारा क्या है, स्मॉल प्रोजेक्शन है मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर, ठीक है, और ये हमारा, इससे हमारा क्या अटैच होता है, इससे हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल हमारी यहाँ पर अटैच होती है। सेम तरह से लेटरल साइड पर भी हमारा स्मॉल प्रोजेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल अटैच होती है। तो लेटरल कॉन्डाइल पे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल और मीडियल कॉन्डाइल पे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, ठीक है, ये मसल्स आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा फोसा, ठीक है। तो फोसा जो है वो भी हमारे दो होते हैं, पहला हमारा एंटीरियर और दूसरा हमारा पोस्टीरियर, या फिर इनके और भी नाम है, एंटीरियर वाले को हम रेडियल फोसा भी बोलते हैं और पोस्टीरियर वाले को हम ओलिक्रोन फोसा भी बोलते हैं। अब जो एंटीरियर या फिर रेडियल फोसा है, या फिर इसे कोरोनॉइड फोसा भी बोलते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, देख सकते हैं आप, एंटीरियर वाला जो है, एंटीरियर वाला जो आपको रेडियल फोसा दिखेगा वो ये रहा, ठीक है। इसमें आप क्या देखेंगे, फोसा बेसिकली एक डिप्रेशन को हम फोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडियल फोसा हुआ, एंटीरियर फोसा हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ना रेडियस की, फ्लेक्शन के टाइम पे आपकी क्या होगी कि वो कोरोनॉइड प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलर तरह से आपका एक पीछे भी आपका एक फोसा होता है, ठीक है, कॉर्डल साइड पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रोन फोसा, और वहाँ पर वो रिसीव करता है एनकोनियस प्रोसेस ऑफ अल्ना ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। जब भी, मतलब सिंपल सी बात है, जब भी एक्सटेंशन होगा तो ओलिक्रोन प्रोसेस जो है वो हमारी आएगी। अभी जब मैं रेडियस अल्ना डिस्कस करूँगा तब हम देखेंगे कि कोरोनॉइड प्रोसेस क्या होती है, ओलिक्रोन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं सिर्फ। अब कुछ हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है, वो हमारी है एक प्रोमिनेंस,
ये देख सकते हैं आप, एक प्रोमिनेंस है जो कि प्रेजेंट होती है, जिससे कि हमारी डेल्टॉइड मसल हमारी अटैच होती है, ठीक है। और एंटेरोलेटरल जो सरफेस है आपकी, यहाँ पर हमारा एक बॉर्डर कह सकते हैं आप, एक क्रीस्ट प्रेजेंट होती है, एक लाइन सी प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं क्रीस्ट ऑफ ह्यूमरस या फिर ह्यूमरल क्रीस्ट, ठीक है। और इसी के ऊपर हमारी डेल्टा ट्यूबरोसिटी भी प्रेजेंट होती है आपकी। ये मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव भी मैंने बता दी, ह्यूमरल कॉन्डाइल भी मैंने बता दी है। फिर इसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ इंसर्शन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम आपकी इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच होती है इस रफ सर्कुलर एरिया पर, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड होता है, आप देख सकते हैं कि ये बिलो एंड लेटरल सबमिट, जो आपका सबमिट है, ठीक है, सबमिट के, ये वाला सबमिट जो है सबमिट के नीचे ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लेटरल साइड पर। और इसके बाद आता है आपका रेडियल, या रेडियल और ओलिक्रोन फोसा, ठीक है। रेडियल और ओलिक्रोन फोसा ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं फोरामेन के थ्रू, ठीक है। रेडियल वाला भी और इसके पीछे जो ओलिक्रोन फोसा, ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं बाय अ फोसा, ठीक है, जिसे बाय अ फोरामेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन, ठीक है। और ये कुछ ही स्पीसीज के अंदर ये हमारा प्रेजेंट होता है, जैसे कि डॉग, रैबिट और पिग, ठीक है। इन्हीं स्पीसीज के अंदर हमारा सुप्रा ट्रोक्लियर फोरामेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सभी मैंने आपको कंप्लीट ह्यूमरस बता दी।